बैग के आने का समय हो गया। शुक्रिया। अब वत्स चलो तरुण महाविद्यालय। आप उन तरुण कॉलेज का ही पढ़ा लिखा है क्या? क्या बोला मंगू भाई, तू पढ़ा लिखा है? ए भाई लोग सुना, अपना मंगू भाई पढ़ा लिखा है। हाँ मंगू भाई, सुबह सुबह खाली पीली बंडल मारने को अपन लोग मिले क्या? अबे ओ शाने, अपन वाकई पढ़ा लिखा है क्या? वो तो तुम लोग का साथ दोस्ती हो गया तो आप इधर आ गया, नहीं तो बहुत बड़ा ऑफिसर होता था क्या? अरे अफसर तो तुम अभी भी है मंगू भाई। क्यों भाइयो, मंगू भाई अपना अफसर नहीं है क्या? ए शाने चल, मस्का मत मार, गेम खेल चल। इसमें मस्का क्या है मंगू भाई, सच्ची तो बोलते है कड़किया। अरे जैसे अफसर लोग टाउन चलाता है ना, वैसे तो अपन लोग का खर्चा चलाता है ना। हाँ मंगू भाई, अगर तुम भाईगिरी लाइन में ना होता तो अपन को खर्चा कौन चलाता? मैं तो कहता हूँ अपना भाईगिरी जैसा दूसरा कोई लाइन चाहिए। अबे मस्का मारता है क्या? अरे ऐसी जक्कास लाइन तेरे को मिलेगी कहाँ मंगू भाई? हाँ अरे कितनी आयासी है अपनी इस लाइन में। हाँ अरे काय की आयासी की बात कर रहे ले रहे। पहले अपन इस एरिया में हफ्ता लेने को जाता था तो आराम से हफ्ता मिलता था। जब से अपना दुश्मन शक्तिमान आया ना, कोई हफ्ता देने को तैयार ही नहीं है, पूरे धंधे की वाट लगा दी रे। अभी हफ्ता मांगने को जाता है ना, बोलता है शक्तिमान को बोल देगा, साला मुंह लटका के आना पड़ता है रे। अरे लोग हफ्ता नहीं देते तो क्या हुआ मंगू भाई, दूसरे अरेंजमेंट है ना अपने पास, अपन फिर किसी पैसे वाले के बेटे या बेटी को उठा लेते हैं। हाँ एक साथ हाथ में जास्ती रकम आ जाएगी, अरे मजे से अपने दो चार महीने तो गुजरी जाएंगे। हाँ अरे शाने, मगर अपन उठाएगा किसको? तेरी नजर में कोई पैसे वाले का लड़का या लड़की है क्या, बोलना? अरे लेकिन अपन बोलता है, किसी को उठाने बिठाने का रिक्शा लेने का जरूरत ही क्या है? अबे ओ टकले, अगर अपन ऐसा काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? तेरा बाप ऊपर से टपकाएगा क्या रे? इस बार कुछ ऐसा ही समझे मंगू भाई। ऐसा ही समझिए? अरे तू क्या बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है, मेरे भेजे में नहीं घुसता रे। मंगू भाई तुम अभी बोला ना कि तुम कॉलेज में पढ़े ला है। और क्या, वो भी तरुण कॉलेज का पढ़ा लिखा है अपन क्या? तो इस बार पैसा उधरिस से आएगा। क्या बकवास करता है रे, तरुण कॉलेज से पैसा आएगा मेरे को? अपन बोला ना इस बार पैसा तरुण कॉलेज से आएगा, तरुण कॉलेज से। अबे शाने, वहाँ पे पैसे का टकसाल रखा क्या? पैसा वहाँ से आएगा? अगर आएगा तो कैसा आएगा बोल। उसके वास्ते अपन के दिमाग में एक प्लान आयला है, कहो तो सुनाऊं? आयला तेरे दिमाग में प्लान है? हाँ चल शाने सुना, क्या है बोल। अरे वाह टकले, क्या शाना है यार, जय हो तरुण कॉलेज। अरे लापुन महोदय, ये जरा बताएंगे कि ये प्रिंसिपल महोदय का कक्ष कहाँ है? आप है ना, आगे से लेफ्ट जाइए। ओह यू मीन टू से कि आगे से बाएं? हाँ। अच्छा शुक्रिया। ए भैया रुकिए तो। कहिए। क्या बात है? आप बताइए। मतलब? अरे भैया आपने कहा कि रुकिए तो हम तो रुकी गए, अब आप ही बताइए कहाँ है। अरे भैया रोकेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, हमारा काम ही तो रोकने का है, ये हमारा ड्यूटी है। बिना किसी काम के हम किसी को भी अंदर नहीं जाने देते हैं। आपको अंदर जाना है तो पहले हमको ये बताओ काम का है। भाई काम तो वो अंदर जाने के बाद ही शुरू होगा ना। मतलब? मतलब ये कि हम यहाँ पर नौकरी प्राप्त करने हेतु आए हैं। अरे भैया तब तो अंदर जाने का कौन हो जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं अंदर जाने से, आप वापस जाइए। वापस जाए मतलब? अरे वो खाली जगह भर गई है ना। भर गई है? हाँ। अरे भाई वो तो हम तो आज सवेरे ही अखबार पढ़ रहे थे, अब ये बैग भी हमारा बहुत पुराना हो गया है। हमने तो सुबह सुबह अखबार में आपका विज्ञापन पढ़ा और ये अभी जगह भी भर गई। अरे भैया अभी अभी नहीं, कल भर दी है जगह, तभी तो हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं।
ओहो तो आप भी, परंतु महोदय हम यहाँ पर हिंदी शिक्षक की नौकरी हेतु आए हैं। का? हिंदी शिक्षक। आप यहाँ शिक्षक बनने आए हैं? क्यों भाई? अरे भैया हम भी अपने गांव से यहाँ शिक्षक बनने को आए थे, पर क्या बने? चपरासी। चाहिए आप भी कोशिश करके देखिए। हाँ हाँ करके देखते कोशिश, पर हार नहीं मानेंगे हम। जिसको देखो वही शिक्षक बनने चला आता है। विघ्न के लिए क्षमा चाहता हूँ। जी कहिए। जी वो आपने वो अखबार में हिंदी शिक्षक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया था, उसी पद के प्रत्याशी के रूप में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या नाम है आपका? ओ यू मीन शुभ नाम? हाँ 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 जी हमारा शुभ नाम है ना, हमारा शुभ नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री ग्राम गुटिंडा पोस्ट त्रिखोली। एक्सक्यूज मी, मैंने सिर्फ आपसे आपका नाम पूछा है, बैड रिटन दरा प्रिंसिपल साहब को बताइएगा। आप यहीं ठहरिए, मैं अंदर उनसे पूछ कर आता हूँ। जी जी पूछ के आइए, पूछ के आइए। यस कम इन। सर सर वो हिंदी के लेक्चरर की खाली जगह के लिए कैंडिडेट आया है, आप कहें तो उन्हें अंदर भेज दूं। ठीक है भेज दो उसे। जी सर। जाइए। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। यस कम इन। आ जाएं? हाँ आइए आइए आइए। नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। तो आप ही प्राध्यापक पद के लिए आए हैं? जी जी जी। आइए आइए बैठिए, प्लीज सिट डाउन। बैठ जाएं? धन्यवाद धन्यवाद। आपका नाम? जी हमारा नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री ग्राम गुटिंडा। ठहरिए ठहरिए, मैंने आपका नाम पूछा है, आपकी वंशावली के बारे में नहीं पूछा। जी अध्यापन के बारे में कोई अनुभव है आपको? जी अध्यापन का तो नहीं है, परंतु अध्ययन का बहुत अनुभव है। देखिए मुझे छात्र नहीं चाहिए, मुझे अध्यापक की आवश्यकता है। क्षमा कीजिए महोदय, एक उत्तम छात्र ही एक उत्तम अध्यापक भी हो सकता है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी अपने छात्र जीवन में उत्तम उत्तम छात्र रहे होंगे। हमने ठीक कहा ना, आप उत्तम छात्र थे ना, थे ना आप उत्तम छात्र। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप अपने विद्यालय महाविद्यालय के प्रमाण पत्र साथ में लाए हैं? लाए हैं ना है ना, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास कच्ची पक्की पाठशाला से लेकर पहली दूसरी तीसरी से ग्यारहवीं तक के विद्यालय से बारहवीं तेरहवीं चौदहवीं के महाविद्यालय की सारी स्नातक पदवियां इसमें मौजूद हैं। हम लाई 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 दिखाते हैं, हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये लीजिए सारे सारे के सारे प्रमाण पत्र मौजूद हैं यहाँ। भाषा से विशारद हैं आप? जी 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 जी। ये मैं तेरे को बोला ना, मैं और इंतजार कर रहा था तेरे के लिए। आप बाहर इंतजार कीजिए। ये तेरे को बोला ना, मेरे को इंतजार करने की आदत नहीं है, मेरे को प्रिंसिपल से अभी और इसी वक्त मिलने का। प्रिंसिपल साहब इस समय बिजी हैं। ए क्या बिजी है, हिंदी समझता है क्या? क्या बात है क्या बात है भाई? सर ये आपसे मिलना चाहते हैं, हमने ने थोड़ा बाहर इंतजार करने के लिए कहा तो ये सीधे अंदर ही चले आए। ठीक है तुम बाहर जाओ। देखिए एक मिनट रुकिएगा। ए जाना तू, क्या देखता है मेरे को, चल फट। हाँ क्या काम है आपको हमसे? ए प्रिंसिपल साहब क्या पहचाना मेरे को? क्या पहचाना नहीं प्रिंसिपल साहब, तुम्हारा नाम बोलेगा तो एलके चतुर्वेदी, क्यों पहचाना मेरे को? अरे आज से 10 साल पहले आप तुम्हारा ही कॉलेज में पढ़ता था क्या? इम्पॉसिबल, मेरे कॉलेज में पढ़कर निकलने वाला कोई भी विद्यार्थी इस जबान से बात नहीं करता है। अरे क्या बात करता है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो अच्छी जबान से बात करता था प्रिंसिपल साहब। क्या है कि 10 साल हो गए कॉलेज छोड़ के, मेरी जबान चेंज हो गई, अभी यही जबान है। नहीं पहचाना मेरे को, मेरा नाम मंगू। नहीं पहचाना मंगू लुखा को? अरे मंगत राम, अरे पहला मैं दुबला पतला होता था, याद आया, अब मेरे को मूछ आ गई, थोड़ा शाना हो गया, मोटा हो गया। नहीं पहचाना? अरे अभी अपनी पहचान बताता तेरे को।
ये देख, ये तूछ लिया था ना सर्टिफिकेट, देख। मंगू स्टूडेंट, तो तुम हमारे ही कॉलेज के थे और नंबर भी तुम्हें बहुत अच्छे मिले थे, लेकिन यहाँ क्यों आए हो? ये तेरा सर्टिफिकेट तेरे को वापस करने को आया मैं। क्या क्या कहा तुमने? अरे जो तू सुना, तेरा सर्टिफिकेट तेरे को मैं वापस करने को आया मैं। सर्टिफिकेट वापस दे थी? अरे सर्टिफिकेट कोई वापस देने की चीज होती है क्या? तो क्या कोई काम की चीज होती है? अरे क्या देखता है, मैं पूछता कोई काम की चीज होती है क्या? सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि आपने पढ़ाई की है और इसी आधार पर नौकरी मिलती है, क्यों भाई? हाँ? जी 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 जी। अरे नौकरी नहीं मिलती, तेरा सर्टिफिकेट लेके अक्का दुनिया घूमा, किसी ने नौकरी नहीं दी। अरे आजकल सर्टिफिकेट नहीं, आजकल ये चलता है, समझा क्या? क्या चलता है ये, समझा क्या? हाँ। तू क्या देखता रे? ए प्रिंसिपल, आजकल ये दिखाकर काम मिलता है, ये तेरा सर्टिफिकेट दिखाकर काम नहीं मिलता है, इसीलिए आपन तेरा सर्टिफिकेट तेरे को वापस करने को आया, समझा? ठीक है, तुम कहते हो तो वापस ले लेता हूँ। अरे चल मेरा हिसाब भी कर डाल। हिसाब? और क्या, ये सर्टिफिकेट के लिए इतना खर्चा किया ना, चल पैसा निकाल पूरा। खर्च हुआ था? आपका सर्टिफिकेट, मेरा मतलब है कि आपने इस प्रमाण पत्र अर्थात इस सर्टिफिकेट को खरीदा था? ए बिड़ू, तू यही समझ ले मैं खरीदा है। अरे फोकट में नहीं मिलता है, समझा क्या? अरे इसके लिए 14-15 साल पढ़ना पड़ता है। हाँ, पढ़ना तो बहुत पड़ता है, गहन अध्ययन करना पड़ता है। गहन अध्ययन करना पड़ता है ना, उसके लिए फीस का खर्चा होता है ना, फीस लगती है ना। फीस तो लगती है, लगती है फीस, फीस तो लगती है। अरे फीस को छोड़ यार, तेरे को मालूम है आजकल क्या है? अरे स्कूल में एडमिशन मांगता है ना, उसके लिए भी डोनेशन देना पड़ता है, डोनेशन। यू मीन टू से चंदा? हाँ, चंदा देना पड़ता है। अरे यहाँ तक कि जूनियर कॉलेज की एडमिशन के लिए भी डोनेशन देना पड़ता है। अरे जब मेरे जैसा स्टूडेंट स्कूल में भर्ती होता है ना, अरे जूते का खर्चा, स्कूल यूनिफॉर्म का खर्चा, स्कूल के बैग का खर्चा, यहाँ तक कॉपी किताब पेंसिल का खर्चा देना पड़ता है। अरे तेरे को मालूम, स्कूल में एक साल में 150 फंक्शन होता है, अरे उसके लिए भी डोनेशन पैसा का खर्चा होता है। स्कूल खत्म होने के बाद जब अपन घर आता है ना बैग लेकर, अरे उसी स्कूल टीचर से अपन को ट्यूशन लेना पड़ता है, उसका भी खर्चा होता है। अरे तेरे को मालूम पड़ गया अभी कितना खर्चा किया होगा अपन? बहुत 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 किया होगा। इतना खर्चा करने के बाद अपन को सर्टिफिकेट दिया तो भी अपन को काम नहीं मिला, इसके लिए अपन अपना पूरा पैसा वसूल करने को आया इधर, वो भी ब्याज के साथ। ओहो, ब्याज के साथ? ब्याज के साथ, समझ में आया? अरे देख, अपन बिड़ू पूरा हिसाब लेकर आया है, देख 14 साल में अपन 1,00,000 रुपया खर्चा किया है। 1,00,000? 1,00,000? हाँ, वो भी आज से 10 साल पहले, और 10 साल में 1,00,000 का 4,00,000 हो गया मालूम। 4,00,000? 4,00,000? लाख का प्रिंसिपल करता है तेरे को मालूम? अरे आजकल तो गवर्नमेंट भी 5 साल में डबल पैसा कर देता है, ये तो 10 साल है, 1,00,000 का 4,00,000 हो गया कि नहीं हो गया बोल। चल निकाल 4,00,000। मंगत राम, ये 4,00,000 आप ही समझाइए ना इसे। देखिए बंधुवर, वो पढ़ाई के लिए तो सब लोग खर्चा करते हैं, परंतु खर्चा वापस? ए अपने को दूसरे के बारे में मालूम नहीं, अपुन ने 4 पेटी बोलेगा तो 4,00,000 रुपया खर्चा किया, वो भी अब भी मांगता है, अब्बीज का अभी। निकाल। मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और तुम्हारे जैसे सैकड़ों लड़के इस कॉलेज से पढ़कर निकल गए, और तुम क्या समझते हो तुम्हारे जैसे बच्चे के कहने से मैं 4,00,000 रुपए दे दूंगा? देखो, एक चाकू को जेब में डालो और यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं गया तो क्या कर लेगा तू? मैं अभी इसी वक्त यहाँ पुलिस वालों को बुलाऊंगा और कॉलेज में दादागिरी के जुर्म में तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अरे तू क्या पुलिस को बुलाएगा? अरे पुलिस को तो मैं बुलाएगा। अरे पुलिस को बुलाकर मैं अपनी अक्की स्टोरी सुनाएगा कि तुम कॉलेज वालों ने मेरे को कैसा लूटा। अरे जिंदगी में मेरा भी एक सपना था कि पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, अरे तुम लोगों ने मेरे सारे सपने को चूरा चूर कर दिया रे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी रे। कोई सर्टिफिकेट भी काम नहीं आया रे तेरा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रो मत। अरे रोएगा नहीं तो और क्या करेगा प्रिंसिपल? मैं रो रो के अक्का शहर में तुम लोग को बदनाम कर देगा, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में जाएगा रे। चुप हो जाओ प्रिंसिपल,
मेरा चार लाख कर्ज वाला मेरे को दे दे भाई। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सचमुच ये आदमी पहले दर्जे का धूर्त होने के साथ साथ नाटकीय भी है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखिए बंधुवर, क्या है? आपको इस बात का दुख है ना कि आपको इस कॉलेज से ज्ञान नहीं मिला, इसीलिए आपको नौकरी नहीं मिली। लेकिन मेरे को अर्जाना दे दो, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन क्या ये बात आप सिद्ध कर सकते? क्या? यही कि आपको इस कॉलेज से ज्ञान नहीं मिला। ए, अगर ज्ञान मिला होता तो मैं चाकू चोरी काहे को चलाता था? हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। बंधु, और आप क्रोधित क्यों होते हैं? ए, मेरे को तुम लोग झूठा समझता है क्या? नहीं नहीं, हम आपको झूठा नहीं बोले, तो सिर्फ मात्र हमारा संदेह है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे संदेह को दूर कर दे? वो कैसे? परीक्षा देकर। परीक्षा देकर? हाँ। अब प्रिंसिपल साहब, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने सारे प्रोफेसरों को बुलाकर इनकी परीक्षा ले ले? सब प्रोफेसरों को कहिए कि इनसे एक एक दो दो सवाल पूछ ले। अगर ये उन सवालों के सही उत्तर दे देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वाकई इस कॉलेज से इनको ज्ञान मिला है। अगर उन प्रश्नों का उत्तर ये सही नहीं देते तो समझ लो कि उनको ज्ञान नहीं मिला। यही ठीक है, तुम परीक्षा देने को तैयार हो? परीक्षा? ये परीक्षा का चक्कर कहीं आप उनको फंसाने का कोई चाल तो नहीं? अरे लेकिन फिर भी ये लोग साबित नहीं कर पाएगा कि आप उनको कॉलेज में ज्ञान मिला है, क्योंकि आप उन इनका एक भी सवाल का सही जवाब देगा ही नहीं। आप उन परीक्षा के लिए तैयार है क्या? तो हो जाए बंधु। परीक्षा के लिए तैयार हूँ मंगतराम। अरे प्रिंसिपल, कैसी तैयारी? अरे आपने आज तक कोई भी परीक्षा के लिए तैयारी नहीं की, जो पूछने का पूछ। अरे ऐसा उल्टा सीधा जवाब देगा तुम लोग को कि जिंदगी में कभी सुना ही नहीं होएगा। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो बंधु। क्या, क्या क्या सोच रहा हूँ? यही मेरा मतलब है कि अब सचमुच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वोइज वोइज। वाह 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 वाह। अरे क्या वाह बोल रहे? क्या वाह लगा रखा है? अबे इधर परीक्षा चल रही या मुजरा चल रहे है? हाँ? एक्सेलेंट एक्सेलेंट, इमेजिनेशन पार एक्सेलेंट। कहाँ परीक्षा और कहाँ मुजरा, क्या बात है? ऐसा? अच्छा सर, छात्र सचमुच अद्वितीय है। सचमुच सचमुच सचमुच। ए प्रिंसिपल, ये क्या हो रहा है? ये लोग तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे भूतपूर्व होनहार छात्र मंगज राम। इन मुहावरों की समझ तुम्हें बहुत अच्छी है भाई। दूध का दूध पानी का पानी, इस मुहावरे को तुम कितनी अच्छी तरह समझ गए हो मंगत राम। इसलिए हम तुम्हें हिंदी की परीक्षा में पूरे नंबर से पास करते हैं। क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस फैंटास्टिक हैज डन वेरी वेल। क्या बिल्कुल बिल्कुल बोलता है? तू कॉलेज का प्रोफेसर है क्या? ए प्रिंसिपल, ये सवाल तो कॉलेज का प्रोफेसर पूछ सकता है, ये नहीं पूछ सकता, समझा क्या? दरअसल मंगज राम जी हमारी जूनियर कॉलेज के हिंदी विभाग में एक ही प्रोफेसर है, और इन दोनों वो छुट्टी पे गए हुए हैं, और गंगाधर जी उसी पद हेतु इंटरव्यू देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इसलिए हमने तय किया है कि तुम्हारा इंटरव्यू हमारे गंगाधर जी लेंगे। एक बात और, इस कॉलेज में जिन विषयों की तुमने शिक्षा पाई थी उन सब प्रोफेसरों को यहाँ बुला लिया गया है, वो तुम्हारे इंटरव्यू लेंगे।